गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पीमोस्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। पीमोस्ट कार्यक्रम हमारा 1986 में शुरू किया गया था। इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। NCERT नई दिल्ली द्वारा 1986 में यह कार्यक्रम हमारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्कृतियों से लोगों को अवगत कराना। पीमोस्ट के द्वारा हमारे अध्यापकों को जो प्राथमिक एवं माध्यमिक थे उनको प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए अलग प्रशिक्षण था और माध्यमिक शिक्षकों के लिए अलग प्रशिक्षण था। जब हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आता है तो उसमें न्यूनतम शिक्षण सामग्री जो है उपलब्ध करा दी जाती है। उसके उपलब्ध कराने के बाद क्या होता है कि OB योजना को 1990 में पीमोस्ट OB में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो पीमोस्ट जो है अब पीमोस्ट OB में परिवर्तित हो गया था। इसके बाद बात आती है OB के अंतर्गत जो सामग्री उपलब्ध कराई गई थी उस सामग्री के समुचित प्रयोग की विधि सिखाई गई। तो पीमोस्ट जो है इसमें जो अध्यापक लोग थे उनको जो OB में जो सामग्री दी गई थी विद्यालयों को, उसको बच्चों को कैसे उसको प्रयोग करना है उसके लिए ट्रेनिंग दी गई थी, उनका प्रशिक्षण कराया गया था। और हमारी OB योजना में कुछ प्रमुख बातें कही गई, जैसे कि विद्यालय तथा कक्षा को आकर्षक बनाना। ये पीमोस्ट में कुछ विशेषताएं थी इसकी कि विद्यालय तथा कक्षा को आकर्षक बनाना, इसके साथ साथ बाल केंद्रित तथा कार्यकलाप आधारित शिक्षण करना और शिक्षण सामग्री का शिक्षण में प्रयोग करना। इसके साथ साथ भवन और अध्यापक और प्रशिक्षण, तीन भवन में तीन कमरे, तीन अध्यापक होने चाहिए और उनके प्रशिक्षण की बात कही गई। और इसके साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता को भी पीमोस्ट के द्वारा बढ़ाया गया। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी किया होगा। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।